शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय एक। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय एक। दाऊद का शाऊल के खून का दंड देना। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए दो दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूली डाले हुए आया, और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इसराइली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातन भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूं। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़कर और जिस पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहां का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े रहे, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। शाऊल और योनातन के लिए दाऊद का बनाया हुआ विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातन के विषय यह विलाप गीत बनाया, और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे उच्च स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं? गत में यह न बताओ, और अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपजने वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढाले अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हो के लोहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातन का धनुष लौट न जाता था, और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो। वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर
सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूं। तू मुझे मनभाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर क्योंकर गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं।